नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। धनतेरस के पावन पर्व का क्या है महत्व, धनतेरस के दिन क्या करें और क्या ना करें, धनतेरस के दिन राशि अनुसार क्या खरीदें, धनतेरस के दिन खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत इस सवाल के साथ ही करते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है और ये पंडित जी क्यों मनाया जाता है। देखिए, दीपावली मुख्यतः पंच पर्वों का त्योहार है। पांच पर्व दीपावली के साथ आते हैं और इसका आरंभ होता है धन त्रयोदशी के साथ या धनतेरस के साथ। धनतेरस जो है वो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसको धन त्रयोदशी भी कहते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही, धन त्रयोदशी के दिन ही धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए आज के दिन यानी धनतेरस पर धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। आज के दिन को कुबेर का दिन भी मानते हैं, यानी धनतेरस के दिन को भगवान धन्वंतरी का दिन भी मानते हैं और यक्षराज कुबेर का दिन भी मानते हैं। माना जाता है कि आज के दिन अगर कोई व्यक्ति कुबेर भगवान की पूजा करे तो उसे जीवन में संपन्नता मिलती है। कुबेर हैं लक्ष्मी जी के सचिव, यानी जो पैसे का एलोकेशन होता है, जो पैसे का अलॉटमेंट होता है वो कुबेर करते हैं। धनतेरस के दिन लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं और आभूषण खरीदते हैं। धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा जो परंपरा है वो बर्तन खरीदने की है, क्योंकि धन्वंतरी अपने हाथ में सोने का कलश लेकर के या सोने का पात्र लेकर, बर्तन लेकर के प्रकट हुए थे जिसमें अमृत भरा हुआ था, इसीलिए धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी ज्यादा है और धनतेरस पर लोग मूल्यवान धातुएं, सोना चांदी आदि भी खरीदते हैं। उन्हीं बर्तनों से और मूर्तियों से जो आज के दिन आप खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, वस्त्र खरीदेंगे, मूर्तियां खरीदेंगे, उन्हीं से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। ज्यादातर जो दीपावली की खरीदारी होती है वो धनतेरस के दिन ही होती है और लोग तमाम चीजों को ला करके एक साथ अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं और जब दीपावली का पूजन करते हैं तो उन वस्तुओं को भी भगवान को अर्पित करके उन वस्तुओं की पूजा भी की जाती है। तो धनतेरस के दिन क्या करें और किन खास बातों का ख्याल रखें, पंडित जी ये भी बताइए। देखिए, जब कोई पर्व त्योहार आता है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं, ताकि पर्व त्योहार आप अच्छी तरह से आनंद के साथ मना सकें, आपको आनंद की प्राप्ति हो। तो धनतेरस के पर्व पर किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें? देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सारी सफाई है वो आज दोपहर तक
यानी धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में होती है, उसके पहले सारी सफाई निपटा लीजिए। अब ये नहीं कि शाम को आप पूजा भी कर रहे हैं और रात में सफाई भी चल रही है, तो सारी सफाई के कार्यक्रम धनतेरस के पहले निपटा लें या धनतेरस के दोपहर तक निपटा लें। देर रात तक धनतेरस पर सफाई मत करिए। धनतेरस पर केवल कुबेर देवता की पूजा मत करिए। ज्यादातर लोग धन प्राप्त करने के लिए या संपन्नता प्राप्त करने के लिए धनतेरस पर केवल कुबेर देवता की पूजा करते हैं, जो उचित नहीं है। आपको लंबी आयु भी चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, और इसके लिए धनतेरस पर धनवंतरी देवता की उपासना जरूर करिएगा। आज धनतेरस है, प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा आज जरूर करिएगा। अगर आप मेटल खरीदना चाहते हैं, धातु खरीदना चाहते हैं, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील के बर्तन ये आपको आज खरीदने चाहिए। दीपावली के लिए भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की मूर्तियां और अन्य पूजा सामग्री, दीपक, धूप, ये सब भी आज ही खरीदना बढ़िया होगा। धनतेरस का जो दिन है वो जीवन में समृद्धि देता है, साल भर तक संघर्ष से आपको बचाए रखता है। इसलिए जहां तक संभव हो धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से आपको बचना चाहिए। धनतेरस पर लोहा मत खरीदिएगा। और देखिए, धनतेरस पर आप खूब खरीदारी करें, प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, आप आभूषण खरीदें, आप धातुएं खरीदें, आप बर्तन वस्त्र सब खरीदें, लेकिन धनतेरस पर थोड़ा बहुत दान जरूर करिएगा। आज दान करने का जो फल है वो बड़ा अच्छा है, तो धनतेरस पर दान जरूर करें। और ये दान अगर आप निर्धनों को करें, अगर आप गरीबों को करें, तो बहुत अच्छा होगा। आज त्रयोदशी तिथि है, आप निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का, बर्तन का, आभूषण का दान आज कर सकते हैं, और दान आज जरूर करिएगा। इससे उनको भी आनंद मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। यूं तो हम पंडित जी बहुत सारी चीजें धनतेरस में खरीदते हैं, कुछ लोग चांदी के सिक्के को खरीदते हैं, कुछ बर्तन खरीदते हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सोना भी खरीदते हैं, लेकिन क्या जरूर खरीदना चाहिए? देखिए, धनतेरस पर वैसे तो आप अपने मन के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी जरूर करेंगे, वो आपकी इच्छा है। और ज्यादातर हम में से लोग बर्तन या चांदी का सिक्का वगैरह खरीदते हैं धनतेरस पर, ऐसी परंपरा है। धनतेरस पर क्या जरूर खरीदना चाहिए ये जान लीजिए। देखिए, धातु का बर्तन, किसी मेटल का बर्तन हो, अगर स्टील का हो, स्टील का ग्लास, लोटा, जग या तांबे का बर्तन हो या पीतल का लोटा हो, पानी का बर्तन जरूर खरीदिएगा, क्योंकि धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर कलश में प्रकट हुए थे, जल के पात्र में अमृत लेकर प्रकट हुए थे। तो पानी का बर्तन, धातु का बर्तन आज खरीदना बहुत ही अच्छा होगा। भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां भी आज खरीदिएगा, और दोनों मूर्तियां बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। आज के दिन ही खील बताशे और मिट्टी के दीपक आप खरीदेंगे। एक बड़ा मिट्टी का दीपक भी जरूर खरीदिएगा,
जो आप दीपावली की मुख्य पूजा में माता लक्ष्मी के सामने जलाएंगे। धनतेरस पर यंत्रों की पूजा भी होती है और धनतेरस पर यंत्रों की स्थापना भी होती है। तो अगर आप चाहें तो अंक वाला यंत्र, चित्र वाला यंत्र नहीं, श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र ये सब नहीं, अंक वाला यंत्र अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, धन का यंत्र। अगर आप धनतेरस पर कोई अंक वाला यंत्र खरीदते हैं, कोई नंबर वाला धन का यंत्र खरीदते हैं जो खरीदा जाता है, तो आप इसको भी अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित करें और इसकी पूजा भी जब धनतेरस पर शाम को प्रदोष काल में आप भगवान कुबेर की और भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे, उसी समय अंक वाले इस यंत्र की पूजा भी करिएगा। धनतेरस पर एक चीज और खरीदी जाती है, बड़ी सामान्य सी चीज है लेकिन बड़ी प्रभावशाली चीज है, वो चीज है झाड़ू। धनतेरस पर एक नई झाड़ू जरूर खरीद कर लाइएगा, पूजा स्थान पर उस नई झाड़ू को रख दीजिएगा। जब दीपावली की पूजा करेंगे तो उस झाड़ू पर भी जरा सा तिलक लगाइएगा और दीपावली के अगले दिन से उस झाड़ू का प्रयोग करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए, जो झाड़ू है वो सामान्यतः लक्ष्मी और स्वच्छता का प्रतीक है। तो होता यह है कि आप देखिए, झाड़ू पैर से लग जाए तो लोग उसको नमस्कार करते हैं, झाड़ू इधर उधर फेंकते नहीं हैं, टूटी हुई झाड़ू को हटा देते हैं, क्योंकि ये भी संपन्नता और स्वच्छता का प्रतीक है। तो अगर आप धनतेरस पर झाड़ू लाते हैं तो इसके साथ आपके घर में स्वच्छता, संपन्नता और अच्छा स्वास्थ्य भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो पंडित जी, विस्तार से आपने समझाया कि क्या करना है, किन चीजों से परहेज करनी है और बचना है, लेकिन अब राशि के अनुसार समझते हैं कि मेष से कर्क राशि वाले धनतेरस के दिन क्या खरीदें और क्या लाभ होगा उससे। देखिए, धनतेरस पर आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिससे आपको संपन्नता भी मिले और जीवन की मुश्किलें आपकी दूर हों। मेष राशि की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं उनको सोने या पीतल की कोई चीज खरीदनी चाहिए। सोने का कोई भी छोटा सा आभूषण ले लें या पीतल का लोटा ले लें, पीतल का गिलास, पीतल की थाली, पीतल के पूजा वाले बर्तन, ये आप ले लीजिएगा आज धनतेरस पर। सूर्य और बृहस्पति से इसका संबंध है, गजब का फायदा होगा आपको, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपके पैसे रुपए, आपकी संपन्नता और आपकी समृद्धि बढ़ेगी और ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। यानी मेष वालों को संपन्नता के अलावा अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा अगर आज पीली धातु की, येलो मेटल की खरीदारी करते हैं तो। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के लोग या तो वाहन खरीद लें, अगर खरीदने का कोई प्लान है आपका, आलमारी खरीद लें या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे आइटम भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े आइटम खरीदें, आप छोटा सा साउंड सिस्टम खरीद लें, आप हेडफोन खरीद लें, आप टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा ही सामान खरीदना चाहें, एक छोटा सा हेडफोन खरीद लें या छोटा सा स्मार्ट वॉच भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी एक सामान आज जरूर खरीदिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपके जीवन में संघर्ष हमेशा रहता है, हर चीज को पाने के लिए आपको जीवन में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान खरीद लेंगे या वाहन खरीद लेंगे तो क्या होगा, अगले एक साल में आप देखेंगे समृद्धि तो देखिए बढ़ेगी,
धनतेरस पर खरीदारी करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देना शुरू कर देगा। जीवन में संघर्ष कम होगा और आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। मिथुन राशि की बात कर लें। देखिए मिथुन राशि वाले कांसे के बर्तन, पुराने जमाने में फूल के बर्तन कहते थे इनको, ब्रास के बर्तन बड़े लाभकारी, बड़े स्वास्थ्यवर्धक बर्तन होते हैं ये। कांसे के यानी ब्रास के बर्तन या ब्रास की बनी हुई मूर्ति, कांसे के बर्तन या कांसे की मूर्ति मिथुन वालों को खरीदनी चाहिए आज के दिन। और कांसे का गिलास या कांसे की कटोरी अगर वो भी आप खरीदना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, कांसे की थाली, कांसे की परात वो भी खरीदना चाहें तो आज खरीद लें। अगर मिथुन वाले आज कांसे की वस्तुओं की, ब्रास के वस्तुओं की खरीदारी करेंगे तो संपन्नता तो जीवन में आएगी ही, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में जरूर आएगी। और सबसे ज्यादा आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता निश्चित रूप से बेहतर होगी। तो आप जीवन में संपन्न होना चाहते हैं, आप अपने निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा करना चाहते हैं, निर्णय में फर्म और मजबूत होना चाहते हैं, कांसे की कोई चीज आज मिथुन वाले जरूर खरीद लेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के जो लोग हैं इनको भी या तो सोने की कोई चीज खरीदनी चाहिए, सोने की कोई वस्तु अगर आप खरीदें तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए, अगर आप अफोर्ड कर सकें। नहीं तो पीतल की बनी हुई चीज, पीतल की घंटी, पीतल का गिलास, पीतल की पूजा वाली चीजें ये भी आप खरीद सकते हैं, यानी पीली धातु आज आपको खरीदनी है अगर आपकी राशि कर्क है। इसको खरीदने से क्या होगा, संपन्नता और समृद्धि आपके जीवन में जरूर आएगी, आप प्रॉस्पर होंगे, संपन्न होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और पीली धातु घर पर लाएंगे तो बृहस्पति सूर्य प्रबल होंगे, आपकी जो भावनात्मक समस्याएं हैं, आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उन भावनात्मक समस्याओं में, उन इमोशनल प्रॉब्लम्स में आपके सुधार होगा। तो सिंह और वृश्चिक राशि के लिए समझते हैं, सिंह से वृश्चिक राशि वाले क्या धनतेरस में खास खरीदें और उससे उनको क्या लाभ होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जो लोग हैं वो आज धनतेरस पर तांबे का एक पात्र खरीदेंगे। तांबे का अगर जल का पात्र खरीदें, तांबे का लोटा, तांबे का गिलास या तांबे का बोतल या जग, अगर तांबे का जल वाला पात्र आप खरीद लें आज के दिन और अगले पूरे साल में इस दीपावली से अगले दीपावली तक प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आज के दिन आपके लिए तांबे का पात्र खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होगा, सबसे ज्यादा मंगलकारी होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो घर में मंगल और सूर्य की धातु आएगी तो आपके घर में समृद्धि आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप तांबे का पात्र इस बार धनतेरस पर खरीद लाएंगे तो आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, स्वास्थ्य की बड़ी समस्या आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो इस बार सिंह राशि के लोग तांबे का
पानी वाला पात्र अगर खरीदें तो बहुत बढ़िया है। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदें तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। कन्या वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज खरीदना उत्तम होगा। और अगर बहुत पैसा नहीं है, छोटा सा हेडफोन, छोटा सा स्मार्ट वॉच, छोटी सी घड़ी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज या इलेक्ट्रिकल की चीज आप छोटी सी ही लेकिन आज लाइएगा जरूर। आप अगर आज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या वालों के घर में समृद्धि आएगी और कन्या वाले अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के जो परेशान थे वो परेशानी दूर होगी। कन्या वालों के पास धन समृद्धि आएगी, कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। तो कन्या राशि के जो लोग हैं वो आज छोटी ही सही लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज जरूर खरीदेंगे। तुला राशि, आप ऐसा करिए किसी देवी देवता की कांसे की मूर्ति खरीदिए, ब्रास की बनी हुई मां लक्ष्मी की मूर्ति, मां सरस्वती की, गणपति की, शिव जी की, किसी भी देवी देवता की ब्रास की बनी हुई कांसे की बनी हुई मूर्ति खरीदिएगा। और अगर देवी देवता की मूर्ति नहीं मिलती है ना, कोई बात नहीं, आप कांसे की एक कटोरी या कांसे का एक गिलास खरीद लीजिएगा, ठीक है। या तो कांसे की देवी देवता की मूर्ति ले लीजिएगा और नहीं तो कांसे की कटोरी या कांसे का एक गिलास खरीद लीजिएगा। इसको लाके दीपावली पर इसका पूजन करिएगा और आगे इसका प्रयोग करिएगा। क्या करेंगे, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, आपकी राशि तुला है और आप कांसे के देवी देवता की मूर्ति लाते हैं या कांसे के अगर आप बर्तन लाते हैं और उसका आप प्रयोग करते हैं तो संपन्नता और समृद्धि आपके जीवन में आएगी। लेकिन उसके अलावा आपके तमाम रुके हुए काम भी ऐसा करने से जरूर पूरे होंगे। अगर आप कांसे की कोई भी चीज लाएं, आपके जीवन में, आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वाले इस बार धनतेरस पर यानी आज के दिन या तो चांदी का एक सिक्का खरीद लेंगे। चांदी का सिक्का वृश्चिक वालों के लिए आज के दिन खरीदना बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप चांदी का सिक्का आज खरीदें अच्छा है, या चांदी का बर्तन, चांदी की कटोरी, चांदी की गिलास, चांदी की चम्मच अगर आप ये खरीदें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। चांदी आपको खरीदनी चाहिए क्योंकि चंद्रमा आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम पैदा करता है। तो अगर आप धनतेरस पर चांदी खरीद लाएंगे, चांदी का सिक्का ले लेंगे, चांदी का बर्तन ले लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन मजबूत होगा, आप घबराएंगे नहीं और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, कर्जे आपके कम होने शुरू हो जाएंगे और बड़ी आसानी से पर्याप्त मात्रा में आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपकी राशि अगर वृश्चिक है
तो आप चांदी मान लिया चांदी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, चांदी की कोई बड़ी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं, तो चांदी की एक बिछिया या चांदी का एक टुकड़ा, चांदी का एक चौकोर या छोटा टुकड़ा ही ले आइएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्ज की स्थिति आपकी इंप्रूव होगी, कर्जे कम होंगे साल भर में और निरंतर आपको धन मिलता रहेगा। तो पंडित जी, अब जो इंतजार कर रहे हैं धनु से मीन राशि वाले, उनके लिए भी बता देते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या खरीदना चाहिए और क्या लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि की, आप क्या खरीदेंगे आज धनतेरस के मौके पर। आपके लिए तांबे का दीपक, तांबे का दीपक बाजार में मिलता है जिसमें आप दीपक जलाते हैं, तांबे के दीपक का पात्र, तो तांबे का एक दीपक खरीदिएगा या तांबे का पात्र, तांबे का लोटा, तांबे का गिलास, तांबे का जग या तांबे के पूजा करने वाले बर्तन, तो आप तांबे का दीपक या तांबे के पात्र खरीदिएगा आज के दिन, बहुत ही अच्छा है। और मेरी सलाह तो आपको ये है कि आप तांबे का एक लोटा या तांबे का एक कलश ले आइएगा। आप छोटा सा कलश, छोटा सा लोटा ले आएंगे और आपके घर में ढेर सारी बड़ी समृद्धि बहुत आसानी से आ जाएगी। तो तांबे का एक लोटा मुझे लगता है अगर आप खरीदें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। समृद्धि तो आएगी ही, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, प्रॉस्पेरिटी तो मिलनी ही है, लेकिन आपके करियर में जो बहुत दिनों से रुकावटें चली आ रही हैं या करियर में जो ब्लॉकेज चला रहा है, चीजें रुकी हुई हैं, वो करियर की रुकावटें और करियर की बाधाएं आपकी बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। तो आप तांबे का एक लोटा, तांबे का एक पात्र लाइएगा, आप देखेंगे कि आप दीपावली पर जब उस पात्र की पूजा कर लेंगे और आगे उस पात्र का प्रयोग करेंगे तो आपके करियर की बाधाएं और करियर की रुकावटें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मकर राशि, आप आज ऐसा करिएगा कि धनतेरस के मौके पर कांसे की मूर्ति, ब्रास की मूर्ति या ब्रास के बर्तन, ब्रास के बर्तन बड़े स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं, तो ब्रास की यानी कांसे की एक थाली ले लें या कांसे की कटोरी गिलास ले लें और या फिर कांसे की एक मूर्ति ले लें। अगर आप ये आज खरीद कर लाते हैं और दीपावली पूजन के बाद इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, संपन्नता और समृद्धि जरूर आएगी और आपके जीवन का जो स्ट्रगल है, आपके जीवन का जो संघर्ष है वो कम होगा। जहां तक कांसे की मूर्ति की बात है, आप सामान्य कोई घोड़ा भी ले सकते हैं, हाथी भी ले सकते हैं, देवी देवता की मूर्ति, पुरुष स्त्री की मूर्ति, कैसी भी मूर्ति हो सकती है, और नहीं तो कांसे का बर्तन तो मिल ही जाएगा, तो कांसे का बर्तन या कांसे की एक मूर्ति लाइएगा, दीपावली पर उसकी पूजा करिएगा और आगे उसका प्रयोग करिएगा। आप देखेंगे कि इस बार धनतेरस पर अगर आप ये खरीदारी करते हैं तो अगले एक साल तक आपके जीवन में संघर्ष आपको परेशान नहीं करेगा, आपका संघर्ष कम से कम होता चला जाएगा। कुंभ राशि, आप चांदी का बर्तन अगर खरीदें तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। चांदी का पात्र, चांदी का लोटा, चांदी का गिलास, चांदी की कटोरी, अगर आप बहुत नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है आपके पास, तो आप चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा ही ले आइएगा, उससे भी शुभता आएगी। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आप चांदी का एक बर्तन, खासतौर से पानी वाला जो चांदी का बर्तन है, खासतौर से सबसे ज्यादा यूज होता है चांदी का गिलास, तो चांदी का एक गिलास आप अगर खरीद कर लाएं, दीपावली पर उसकी पूजा करें और दीपावली के बाद उसका प्रयोग करना शुरू करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप चांदी के बर्तन लाते हैं
उसकी पूजा करते हैं और उसको दीपावली के बाद प्रयोग करते हैं तो बड़ा शुभ होगा। और अगर आप चांदी का बर्तन नहीं खरीद पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा लाइएगा, दीपावली पर उसकी पूजा करिएगा और उसके बाद उस टुकड़े को अपने पास रखे रहिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, संपन्नता और समृद्धि तो आएगी ही, आपका मेंटल टेंशन, आपका मेंटल डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी चिंता और तनाव की स्थिति से आपको राहत मिलेगी। मीन राशि, आपको एक तांबे का बर्तन आज खरीदना है धनतेरस के अवसर पर। आज आप एक तांबे का बर्तन खरीदिएगा और अगर ये जल का पात्र हो, तांबे का लोटा हो, तांबे का गिलास हो तो बहुत ही बढ़िया है। आप तांबे का जल का पात्र, तांबे का लोटा, तांबे का गिलास या तांबे का जग खरीदिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। दीपावली पर पूजा करने के बाद ही इन वस्तुओं का प्रयोग करिएगा। अगर मीन राशि के लोग आज तांबे का जल का पात्र खरीदते हैं तो आप अपने करियर में मनचाहा बदलाव कर पाएंगे। आप करियर को लेकर के जो परेशान चले आ रहे हैं, नौकरी जाने की नौबत आ गई है, नौकरी में प्रॉब्लम आ गई है, आपको कुछ मनचाहा मिल नहीं रहा है, आज धनतेरस की ये खरीदारी आपके करियर की बाधाओं को दूर कर देगी। पंडित जी, धनतेरस के दिन देखिए खरीदारी तो लोग करते ही हैं, पूजा भी बहुत लोग करते हैं, उसका क्या तरीका है, किस प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहिए? देखिए, हम लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि पूजा केवल दीपावली पर होती है, नहीं, पूजा धनतेरस पर भी होती है। मैंने पहले ही बताया कि ये पंच पर्व है, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली यानी दीपावली, अन्नकूट गोवर्धन और भाई दूज, ये पांच पर्व एक साथ आते हैं और हर पर्व में पूजा होती है, तो धनतेरस पर भी पूजा होती है। कैसे होती है? आज प्रदोष काल में, संध्या काल में, उत्तर दिशा की तरफ कुबेर की स्थापना करें और धन्वंतरी की स्थापना करें। आप उत्तर दिशा की तरफ उनकी मूर्तियां या उनके चित्र रखें, दोनों के सामने अलग अलग एक मुख का घी का दीपक जलाएं, कुबेर को सफेद मिठाई और सफेद फूल अर्पित करें और धन्वंतरी भगवान को पीली मिठाई और पीले फूल अर्पित करें। पहले कुबेर देवता के मंत्र का जप करें, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ये मंत्र पढ़ के कुबेर देवता की पूजा करिए। इसके बाद धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करके धन्वंतरी देवता की पूजा करिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करिएगा। दीपावली पर जब पूजा करेंगे तो कुबेर जी को धन स्थान पर रख देंगे, ले जाके स्थापित कर देंगे और धन्वंतरी को पूजा स्थान पर स्थापित कर देंगे। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको धन का भी लाभ होगा, लंबी आयु का और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ भी आपको जरूर होगा। अब पंडित जी जरा जल्दी से ये भी बताइए, क्योंकि ये तो हम समझ गए क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, कैसे पूजा करनी है, नहीं करनी है, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या होगा पूजा का, और अगर खरीदारी करने जा रहे तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, जब कोई महत्वपूर्ण पूजा होती है तो उसका मुहूर्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का मुहूर्त भी जान लीजिए। अब धनतेरस मनाया जा रहा है आज यानी 29 अक्टूबर को, और धनतेरस की तिथि सुबह
10:31 पर आरंभ होगी, यानी सारी खरीदारी आज सुबह 10:31 के बाद कर ली जाएगी। खरीदारी करने का और पूजन करने का सबसे उत्तम समय होगा शाम के 6:30 से रात को 8:12 के बीच में। वैसे तो आज सुबह 10:31 के बाद से लेकर रात तक जब तक आप खरीदारी करना चाहें करें, लेकिन पूजा तो शुभ मुहूर्त में ही करें, शाम को 6:30 से रात के 8:12 तक। इस समय में अगर पूजा भी कर लें और खरीदारी भी कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज राहु काल का समय है शाम को 3:00 से 4:30 तक। राहु काल के समय में नए आभूषण, नए बर्तन, नए कपड़े ये सब ना खरीदें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने धनतेरस के इस पावन पर्व पर हमें इतनी सारी जानकारियां दी और इतनी जानकारियां जो हमारे आने वाले दिनों के लिए और बेहतर होंगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, और जाते जाते आज तक की तरफ से आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।